अररिया पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उधम मचाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है। छापेमारी अभियान में पुलिस ने करीब आधे दर्जन शातिर को धर दबोचा है, जिनसे पूछताछ में कई लूट कांड का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं इन अपराधियों की पूरी कुंडली। अररिया एसपी के मुताबिक बैरगाछी, ताराबारी और महलगांव इलाके में इन अपराधियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से असलहे और कैश बरामद किया है। बताया जाता है कि पैकटोला से गिरफ्तार मोहम्मद खालिद की निशानदेही पर इस पेशेवर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अररिया पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद आसिफ रजा, मोहम्मद मकील, मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद आरजू और अकबर शामिल हैं। इन अपराधियों के खिलाफ जिले के अलग अलग थाने में एक दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। लगभग 8 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि पैकटोला अररिया में कुछ अपराधकर्मी संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठन कर पैकटोला में छापेमारी की गई, जिसमें एक अपराधकर्मी मोहम्मद खालिद जो जोकीहाट अररिया के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई, इनके सत्यारोक्ति बयान और निशानदेही के आधार पर महलगांव ओपी थाना कांड संख्या 644-22 जो लूट का कांड था, उसमें संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद आसिफ रेजा और जो बैरगाछी के रहने वाले हैं और मोहम्मद मकील जो ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ मटियारी ओवरब्रिज के पास से टीम में शामिल थानाध्यक्ष अररिया जोकीहाट और महलगांव बैरगाछी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया, जिनका विधिवत तलाशी लेने पर मोहम्मद आसिफ के पास एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस जो 7.65 mm का है एवं 2 जिंदा कारतूस जो 9 mm का है, लूटा गया 9,300 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त मोहम्मद मकील उर्फ पप्पू के पास से एक देसी कट्टा, 3 मिस्ड फायर कारतूस एवं 1 जिंदा कारतूस तथा 1 मोबाइल बरामद हुआ, जिसके आधार पर महलगांव थाना में 414 और आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आसिफ के स्वीकारोक्ति बयान एवं निशानदेही के आधार पर लूट कांड में शामिल अन्य अभियुक्त मोहम्मद असगर, मोहम्मद आरजू जो महलगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और मोहम्मद अकबर जो बैरगाछी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया। उक्त सभी अभियुक्त अररिया, ताराबाड़ी, बैरगाछी और महलगांव थाना क्षेत्र में कई कांडों में वांछित थे। ये अररिया में विगत दिनों में हुए एक CSP लूट, एक छड़ के ट्रैक्टर को लूटा गया था जिसमें बरामदगी सभी छड़ों को किया गया था, बैरगाछी में एक मवेशी व्यवसायी के साथ लूटपाट की घटना की गई थी, महलगांव में विगत कुछ दिन पहले CSP संचालक के साथ लूटपाट की घटना की गई थी और ताराबाड़ी में एक हत्या के मामले में इनकी गिरफ्तारी होनी थी। बड़ा आपराधिक इतिहास है। मोहम्मद आसिफ रेजा के विरुद्ध 8 कांड में ये वांछित थे जिनमें गिरफ्तारी की गई है, खालिद जो 6 कांड में वांछित थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मकील 3 कांड में वांछित थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है, अन्य अभियुक्त के विरुद्ध भी आपराधिक इतिहास है। बरामद 2 देसी कट्टा 2 हुए हैं, जिंदा कारतूस 7 हुए हैं, मिस्ड फायर 3 हुए हैं, मोबाइल 2 हुए हैं, मोटरसाइकिल 2 हुआ है, लूटा गया 14,300 रुपये बरामद किए गए हैं। इस कांड में सभी जो हमारे थाना प्रभारी इस टीम में जो शामिल थे सभी को सफल उद्भेदन पर सभी को पुरस्कृत किया जाए।